नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पार्ट टू है बेसिक गार्डनिंग टिप्स का। मैंने इससे पहले पार्ट वन बनाया था, एपिसोड वन बनाया था। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आई बेल पे आप प्रेस करके वो वीडियो, आप वो पहला एपिसोड उसका देख सकते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप पौधे लगाने के शौकीन हैं और आप पौधे लगाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मिट्टी का चुनाव, गमले का चुनाव और साथ ही साथ मैंने फर्टिलाइजर, इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया था। आज मैं इसका पार्ट टू बना रहा हूँ। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आप प्लांट का चुनाव कैसे करें, यानी पौधे का चुनाव कैसे करें। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें, और कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नर्सरी से पौधे कैसे लाएं, और दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊँगा कि खुद से आप पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं अपने घर पे। तो जो पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, नर्सरी से पौधे लाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप जो भी प्लांट लेके आए वो अच्छे से ग्रो हो और आपका प्लांट मरे नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे 6 पॉइंट रखने वाला हूँ। अगर आप नर्सरी से पौधे खरीद रहे हैं तो आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। पहला चीज़, आप हमेशा हेल्दी पौधे लेके आएँ जो आपको दिखें, जिनकी पत्तियाँ एकदम ग्रीन ग्रीन हो, पत्तियाँ येलो नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें ब्रांच सूखी नहीं होनी चाहिए और उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो पहला कि आप हमेशा हेल्दी पौधे लेके आए। दूसरा पॉइंट हमारा है कि पौधे में कई ब्रांच होनी चाहिए, आपका पौधा एकदम से घना घना होना चाहिए। अगर आप वो प्लांट ले रहे हैं, अगर वो पॉट में लगा है या पॉली बैग में भी लगा है, तो आप देख लें कि पौधा एकदम से घना होना चाहिए। तो दो पॉइंट हो गए ये कि पौधा हमारा घना होना चाहिए और उसमें कई ब्रांचेज होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक ब्रांच वाला पौधा लेके आएंगे तो उसमें ग्रो होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप सोचेंगे कि इसमें फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है। तो अगर आप फ्लावर वाले प्लांट ला रहे हैं या कोई भी प्लांट ला रहे हैं तो पौधा वो घना ही होना चाहिए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि उसमें ज़्यादा फ्लावर नहीं होने चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, कुछ इस तरह की कंडीशन अगर आपके प्लांट पे है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप देख लें कि उसमें बहुत सारे फूल निकले हुए हैं, अगर आप वो प्लांट लेके आएंगे तो उस समय उसमें फ्लावरिंग कुछ दिन तक ही रहेगी। उसके बाद में जब उसमें नए बड्स लगेंगे, नए ग्रोथ होगी, फिर उसकी फ्लावरिंग आएगी, तो आप सोचेंगे कि इसमें फ्लावर ही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि जिसमें फूल खिलने वाले हो आप उस कंडीशन में अपना प्लांट लेके आएं, या फिर थोड़ा बहुत फूल खिले हों तो भी आप लेके आएं। अगर आपका पूरा जो आप प्लांट ले रहे हैं पूरा खिला हुआ है तो आप उसको लेके ना आएं, ऐसे में रास्ते में डैमेज होने का चांस भी रहता है। तो आप कोशिश करें कि जिसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो आप वो प्लांट लेके आएं। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप कोई गमले में पौधा ले रहे हैं तो आप उसके नीचे देख लीजिए कि उसमें जड़ें निकली हुई हैं या नहीं। अगर उसमें आप नीचे की तरफ जड़ों को देख रहे हैं तो आप वो प्लांट ना लेके आएं। अगर आप वो प्लांट ले आएंगे तो आपके यहाँ वो ग्रो नहीं होंगे अच्छे से, क्योंकि दोस्तों वो जहाँ पे वो रख के रहते हैं वहाँ पे नीचे से भी उनको खाद पदार्थ मिलता रहता है, अगर जड़ें उनकी नीचे की तरफ रहती हैं। और आप किसी ऐसी जगह पे रख देंगे, जैसे छत पे या बालकनी पे, कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहाँ उनको नीचे से कोई भी खाद पदार्थ नहीं मिल पाएगा, तो वो प्लांट आपके सूखने के चांस थोड़ा बढ़ जाते हैं और उसमें ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम हो जाती है, ग्रो नहीं करता है आपका पौधा। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई प्लांट लें तो उसके नीचे आप अच्छे से देख लें कि उसमें कोई जड़ें निकली हुई है या नहीं निकली हुई हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्तों चौथा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट हमारा दोस्तों, जब भी आप पौधे लेने जाएं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि उसका कौन सा सीजन चल रहा है। अगर आप अभी गर्मियों वाले पौधे लेने चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इस समय गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, अभी फरवरी चल रही है, तो आप फरवरी से मार्च तक आराम से गर्मियों वाले पौधे आप अपने गार्डन के लिए खरीद सकते हैं। अगर आप सीजनल पौधे खरीद रहे हैं सर्दियों वाले, तो आप जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब आप उसको लगाएं। आप ऐसा ना करें कि जो भी आपको नर्सरी वाला ये बताएगा कि ये बहुत अच्छा प्लांट है, काफ़ी अच्छे से चलेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से भी कुछ सर्च करके आप जाएं। जब भी आप प्लांट लें तो आप उसकी जानकारी लेके जाएं कि कौन सा प्लांट आपका गर्मियों में लगता है और कौन सा प्लांट आपका सर्दियों में लगता है, क्योंकि दोस्तों नर्सरी वाले के पास काफ़ी प्लांट बच जाते हैं सीजन वाले, और आपको वो कहेगा कि ये कम रेट में दे देगा या फिर सस्ता दे देगा, तो आपको ऐसे प्लांट नहीं लाने हैं मार्केट से, आपको हमेशा सीजन वाले प्लांट लाने हैं सीजन से पहले।
दोस्तों, जब भी आप परमानेंट प्लांट लेने जाएं तो आप देख लें कि जैसे आप रोज़ प्लांट लेने जा रहे हैं तो रोज़ में जब ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, उस पर फ्लावरिंग आने वाले होते हैं, बड्स लगने वाले होते हैं, आप उस समय वो प्लांट अगर लेके आएंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपको रोज़ प्लांट या गुड़हल प्लांट लेना है तो इस समय आप उसका प्लांट ले सकते हैं आसानी से। अगर आपको रोज़ प्लांट लेना है दोस्तों तो आप नवंबर दिसंबर में अगर लगाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर आएंगे। गुड़हल प्लांट आप फरवरी जनवरी में भी लगा सकते हैं, तो बहुत सारे प्लांट आपको परमानेंट मिल जाते हैं, आप वो उन प्लांट से भी अपने गार्डन में अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे हो गए कि आपको नर्सरी से पौधे लाने समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अब अगला हमारा पॉइंट आता है कि अगर आप खुद से नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको नर्सरी से भी प्लांट ना लेना पड़े, तो आगे मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप खुद से पौधे तैयार करना चाहते हैं, आपके पास नर्सरी नहीं है, आप कहीं से प्लांट खरीदते हैं कि कंडीशन में नहीं है, आप चाहते हैं कि हम अपने घर से ही नए प्लांट खुद तैयार कर लें, तो आपको चाहिए, अगर आपके पास कोई प्लांट पुराना लगा हुआ है, जैसे रोज़ प्लांट, जैसे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में एक देसी रोज़ प्लांट है, तो अगर आपके पास रोज़ प्लांट लगा हुआ है, गुलाब का पौधा लगा हुआ है, या अगर आपके पास नहीं भी लगा हुआ है, आपके किसी दोस्त के पास लगा हुआ है, तो आप वहाँ से आप एक ब्रांच ले लीजिए और उस ब्रांच को आप कलम के द्वारा यानी कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। आप एक पौधे से कई पौधा बना सकते हैं। आपका मनी प्लांट हुआ, अगर आपका इसमें एक ब्रांच ले आते हैं तो इसमें भी आप काफ़ी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ प्लांट बता देता हूँ जो कटिंग के माध्यम से आसानी से लग जाते हैं। तो इनमें हो गया, जैसे आप गुलाब लगा सकते हैं, गुड़हल लगा सकते हैं, गंधराज लगा सकते हैं, रात रानी हो गया, चांदनी हो गया, 9 o'clock हो गया, मधुमालती हो गया, और हो गया हमारा बूगन वेल हो गया, वन कमली हो गया, डंक डम्बकेन हो गया हमारा। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आप आसानी से कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नर्सरी से ही प्लांट लेने जाएं। अगर आपके आसपास कहीं प्लांट दिखे तो बस आप उसकी एक ब्रांच ले लीजिए और आराम से अपने पॉट में, गमले में, ज़मीन में, कहीं भी लगा के आप एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। आपका पैसा भी बच जाएगा और आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि आप कटिंग के द्वारा या फिर कलम के द्वारा खुद से कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि बीज से अगर आप उगाना चाहते हैं पौधे तो आप कैसे उगाएं। तो अगर आप दोस्तों बीज से ग्रो करना चाहते हैं कोई भी पौधा, चाहे वो आपका फूल वाला पौधा हो, सब्जी वाला पौधा हो, या फिर फल वाला पौधा हो, तो सबसे जो दिक्कत आती है वो आती है हमें कि हम अपने बीज कहाँ से खरीदें, यानी सीड कहाँ से हम लाएँ। तो आप पहले तो कोशिश कीजिए कि आप अपने लोकल मार्केट में वो सीड पहले ढूंढिए। अगर आपको वहाँ से मिल जाती है तो सही है, अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलती है तो आप नर्सरी, अगर फ्लावर प्लांट लगा रहे हैं तो आप नर्सरी वाले भी कुछ सीड रखते हैं, अगर आप उनसे मिल जा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। थर्ड नंबर पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, पहले आपको लोकल मार्केट में देख लेना है, नहीं मिल रहा है तो आप फ्लावर सीड शायद ना मिले लेकिन बाकी सीड आपको आसानी से मिल जाएगा, जैसे वेजिटेबल सीड आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, सब्जी वाले सीड आसानी से मिल जाते हैं, बस फूल वाले सीड में दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करें कि लोकल मार्केट से लेके आएँ, नर्सरी वाले से लेके आएँ सीड, अगर आपको नया मिले फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको बहुत सारे फ्रॉड भी मिल जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो भी आप प्रोडक्ट लें उसकी पहले रेटिंग देख लें, उसके बाद उसका रिव्यू देख लें, रिव्यू में आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाती हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा सही था जो मंगाया है या नहीं सही था, आपको बहुत सारे फ्रॉड भी मिल जाएंगे। तो आप सावधानी पूर्वक ही कोई सीड खरीदें। मैंने फ्लावर प्लांट सीड के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने फ़्लिपकार्ट से शायद मंगाया था और एक वीडियो मैंने बताया कि आपको कैसे मंगाना है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बात सीड खरीदने की। अब बात आती है कि हम सीड कौन कौन से खरीदें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसे आप कोई पौधा ले रहे हैं तो आप हमेशा सीजनल पौधे अगर ले रहे हैं तो सीजन से पहले ही लें, उसी तरह से सीड के मामले में भी देखा गया है कि जब भी आप कोई सीड लेने जा रहे हैं तो आप जो जिस सीड का टाइम हो, यानी जो प्लांट लगाने का समय हो रहा हो, आप उसी प्लांट के सीड लेके आएँ। ऐसा नहीं कि आप गर्मी वाले सीड सर्दियों में लगा रहे हैं, सर्दी वाले सीड गर्मियों में लगा रहे हैं, बेशक वो जम तो जाएंगे लेकिन ना तो उसमें फ्लावरिंग होगी, ना उसमें फ्रूट आएंगे, ना उसमें वेजिटेबल आएंगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो फूल वाले या फिर सब्जी वाले या फिर फल वाले सीड ले रहे हैं, फल वाले सीड का तो मान लिया इस साल नहीं हुआ तो अगले साल वो उसमें ग्रोथ हो जाएगी, उसमें फ्लावर उसमें फ्रूट आ जाएंगे, लेकिन अगर आप फूल वाले और सब्जी वाले पौधे ले रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है
कि उसका जो सीजन हो आप उससे पहले ही वो सीड ले लीजिए। अगर आप गर्मी वाले सीड लेना चाहते हैं तो आप जनवरी फरवरी में उसको लेके अभी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ग्रो करके जब आपकी गर्मी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी फिर आपका प्लांट भी तैयार हो जाएगा। सीड से ग्रो करने है फिर दोस्तों आप काफ़ी कम पैसे में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से एक प्लांट लेने जाएंगे तो मिनिमम आप मान के चलिए 20 से 30 रुपये का एक प्लांट आपको पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए इतने रुपए में अगर आप सीड खरीदते हैं तो आपको लगभग 50 से 60 सीड आपको मिल जाएंगे 20-30 रुपए में, और 50 से 60 प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं। तो सीड से कुछ पौधे मैं बता दे रहा हूँ जिनको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जैसे जो आपको आसानी से मिल जाएगा, जैसे गेंदा, अपराजिता हो गया, वर्बीना हो गया, सूरजमुखी, ये सब पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है पहले से ही, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको यही बता रहा था कि अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, अभी आप नया नया कोई प्लांट लेने जा रहे हैं या फिर गमला लेने जा रहे हैं, पौधे खरीदने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिसके माध्यम से आप एक अच्छे प्लांट का चुनाव कर पाएँ और आपका पौधा भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग या फल या फिर सब्जी दे पाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा इसका एपिसोड का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आई बेल पर दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो पहली वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं प्लांटेशन से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप वीडियो लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं मेरे सारे वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।